और जो लोग निकल रहे हैं वो भी मास्क लगा के निकल रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सड़कों पर कोई भी नहीं था, अभी धीरे धीरे लोग निकलना शुरू कर दिए हैं। ये काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है अगर लोग इसी तरीके से निकलते रहेंगे, लेकिन लोगों को पालन करना चाहिए जनता कर्फ्यू। अभी भले ही 8-9 बजे तक था, इसको और अपने घरों में बैठ करके इसको और बढ़ाना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक के लिए जनता कर्फ्यू का होना चाहिए, ताकि जो है इसके लिए कोरोना वायरस के संक्रमण होने से, खतरे से बचा जा सके। अगर हम बात करें तो 350 मामले अब तक जो है यहाँ पर 350 मामले की पुष्टि हो चुकी है कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की। और दिल्ली की सड़कों की बात करें तो इसको लेकर के जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री अपील का पालन किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ जगहों पर पालन नहीं हो रहा है। बच्चे निकल करके उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, वो काफ़ी खतरनाक स्थिति है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस से, तो ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं अगर हम अभी नहीं चेते तो ये मामला और काफ़ी बढ़ सकता है। तीसरे स्टेज में पहुँचते ही, तीसरे स्टेज में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो होता है कोरोना वायरस के संक्रमण के होने की वजह से, वो काफ़ी खतरनाक हो सकता है और उससे कोई भी नहीं बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि जो जहां है वहीं पर रहे और कर्फ्यू का पालन करें। देश के 75 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है। दिल्ली में भी सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है लॉकडाउन की। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कभी भी यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है, और ऐसा स्थिति अगर बनती है तो ऐसे में जब 170 देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है तो ये काफ़ी अच्छा कदम होगा, सराहनीय कदम होगा। इधर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म से जो ये निकलती हैं, जो ये इस तरीके से रेल की पटरी है, वो काफ़ी जो है खाली खाली सा सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो ये दिल्ली का जो इलाका है, दिल्ली जिससे पहचानी जाती है, सराय रोहिल्ला का ये जो नीचे जो पटरियां हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से खाली है। पूरी दिल्ली खाली है आज ऐसी जगहों पर जहां पर यहां पर कम से कम सड़कों पर देखा जा सकता था लोगों के आने जाने को छोड़ दें, लोग तो यहाँ से आ भी जा भी नहीं पा रहे थे, इस स्थिति में यहाँ पर भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज जो स्थिति है, इससे देखा जा सकता है कि लोग थोड़ा सा सचेत हुए हैं, इसको और थोड़ा गंभीर रूप से लेकर के लोगों को इसका पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों को धन्यवाद भी दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों, मजदूरों और पत्रकारों को शुक्रिया अदा किया है। और देश भर में आम लोग, नेता भी घर की छत और बालकनी पर नजर आए हैं इस कर्फ्यू के दौरान तालियां बजाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है कि ये लंबी लड़ाई है और सभी को लंबी लड़ाई के लिए इसी समय के साथ तैयार रहना चाहिए और खुद को सोशल डिस्टेंसिंग में बांध लें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लोग एक दूसरे से अलग रहें, यानी कि लोग एक दूसरे के घर ना आए जाएं, लोग अपने अपने घरों में रहें, कैद रहें, अपने आप को आइसोलेट रखें, ताकि कोई भी कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति एक दूसरे को संक्रमित ना कर सके। और नरेंद्र मोदी की जो ये बात है, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है, ये ट्वीट दर्शाता है कि ये लंबी लड़ाई है, इसका मतलब ये अभी और भी जो है जनता कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं देश के सभी जिलों में, लगभग 75 जिलों में अभी तक लॉकडाउन हो चुका है, और ऐसी स्थिति है कि राजस्थान पंजाब में तो पूरी तरह से लॉकडाउन है। और ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली में लॉकडाउन होता है तो ये कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं होगी। लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी और जगह जगह फ्यूमिगेशन किया जा रहा है, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, लोग अपने अपने घरों में हैं और ये कोरोना वायरस को सीरियस लेते हुए देखे जा रहे हैं। ये रोड जो है ये काफ़ी खाली नज़र आ रही है। ये हम सराय रोहिल्ला से निकल चुके हैं और गुलाबी बाग की साइड में हैं। हमारे साथी जो देव प्रभाकर पांडे बता रहे हैं, गुलाबी बाग में अभी हम हैं और यहाँ पर जो छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में लोग छुट्टियों में भी खाली अंदर बैठ गए हैं, बाहर कोई नहीं है। और यहाँ पर ये जो रोड है में, जब बसें नहीं हैं लोग यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, मेट्रो बंद है, मेट्रो और बसों को बंद किया गया है, ऐसी स्थिति में साइकिल का आनंद ले रहे हैं लोग, कुछ बच्चे लोग आनंद ले रहे हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं कि दिल्ली का जो माहौल,